अपना शिष्यपाल दो दिन पहले ही बरना बन के मोहर बांध के कुंदनपुर आ गए, बरात ले आए पहले ही। अब जब रुक्मणी की भाभी ने कही, ए लली चलो चौकी बैठो हल्दी चढ़वाओ, रुक्मणी बोली काहे को, ये पागल बरात आ गई घर पर बरने आएगो हल्दी ना चढ़वाओ ब्याह ना है। तो रुक्मणी ने दोनों हाथ जोड़े भाभी के और क्या बोली है, अरे भाभी मेरी कांते भैया सगाई, अरे भाभी मेरी कांते भैया सगाई, ए भाभी मेरी कांते भैया सगाई, सो भाभी मेरी कांते भाई सगाई। से ब्राह्मण बगल में झोली डाल के और दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए आए, दरवाजे पे रुक्मणी ने दोनों हाथ जोड़े एकांत में। देखो सुनो बात करना बंद कर दो, मैंने उस दिन भी बताया भगवान की कथा में जो घर की बना बजे की बात करते हैं वो अगले जन्म में स्यार बन जाते हैं सरकटा। कोई विशेष काम है तो भले ही उठ के अलग जा करके कर आओ, अरे जी बतलावे के लिए तो वैसे ही घर घाट बहुत डरो है, आज सांझ के बाद खूब बतलाइयो। सोता बंधु आज पंडित जी बोले के बेटा जी बता तू रोए क्यों रही है, बाबा तुम्हारे हाथ जोड़ू काउ दिन मेरे घर पे आ जाइयो इतनी भीख डाल दूंगी तीन पीढ़ी तो निबटे ही ना है, पर बाबा मेरे ब्याह के नौते पहुंचा दे। बंटी इतने बीता बात है, देखो पंडाल में जगह उखा लिए थे तो हाथ जोड़ के निवेदन है जो लोग खड़े हैं रास्ता पे वो पंडाल में बैठ रहे हैं, पीछे जगह है पूरा पंडाल खा लिया पीछे, अच्छा नहीं लगता भगवान का भी निरादर होता है ऐसे खड़े होने से। चलो ध्यान करो बेटा त्यो नो तो बाबा मेरे नो तो पहुंचा दे मैं ब्याह को, ते ब्याह के नोते थे बाप भैया देंगे का तू दे ही।
बाबा जोत मत कहो, तुम बहुत जोत चिल्ला रहे हो, तुम्हारी सम बाबा काऊ मालूम ना है, बाबा प्लीज साइलेंट, दिस इज माई पर्सनल मैटर, बाबा काऊ तो मत कहियो जी, मेरी अकेले एक दार रन रही है बस। पंडित जी की भगवान ब्याह मेरे जय देखो ऐसो क्या ब्याह के नोते लड़की दे रही है, बाबा जोत मत कहो तुम्हारी सम। ललित जी बताते हो नो तो जावे हो कहाँ, बाबा मे नो तो जावे हो द्वारका, ब्याह कब को है, ब्याह बाबा कल को, ठीक कह रही है, मोते ज्यादा बजे भैया पट्टू ना है कोई, बता एक एक कदम लठिया सारे धर्म में कब्जा खाए, बाबा मुझे पूर्ण विश्वास है। सुनो क्या कहिया रुक्मणी ने, क्या मुझे पूरा विश्वास है, भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है, अगर तुम्हें भगवान के ऊपर विश्वास है तो परमात्मा बिल्कुल पास है, और विश्वास नहीं है तो हजारों कोस दूर है तुमसे। अरे 101 रुपए शरबती बुआ, अमृतपुर 100 रुपए अमर सिंह दिवाकर अमृतपुर, और 100 रुपए शिवराज सिंह यादव अमृतपुर, और 100 रुपए मुल्तान सिंह दूधिया अमृतपुर, 50 रुपए अल्लाह नूर अमृतपुर, और 100 रुपए श्यामपाल दिवाकर अमृतपुर, और 100 रुपए ईश्वर दयाल अमृतपुर, और 51 रुपए उर्वेश अमृतपुर, उनके सभी धन्यवाद। हेलो राजन परीक्षित, आज ब्राह्मण ने कहा तो बेटी लाओ लिख दो, लिख दो, ध्यान रखना रुक्मणी ने लिखा क्या है कागज पे, क्या लिखा है, विश्वास के दो शब्द लिखे हैं जीवन में, ध्यान रखना विश्वास के दो शब्द लिखे हैं, तुम्हारे बिन और कौन नहीं मेरो, 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 शिशुपाली बरना बनी आयो गोदी, परमात्मा मदद उन्हीं की करता है जिन्हें ईश्वर के ऊपर विश्वास होता है। ध्यान रखना रुक्मणी ने क्या लिखा था पत्र में, कि तुम्हारे बिन और कौन है। आज भारत की सभ्यता की हजारों, भारत की संस्कृति के हजारों टुकड़ा उड़ा दिए हैं, जिन पर लड़का व्याकु होए और का उतरे तो वो नेक का नौकरी में और लग जावे, बात ज्यादा बड़ो आदमी दुनिया में ना पूरे विश्व में कोई, मालूम है क्या कहते हैं, लड़की वाले से पूछते हैं कि बायोडाटा लाए हो, बायोडाटा किसे कहते हैं,
हाई स्कूल इंटर बीए की मार्कशीट, लड़की को फोटो, बाप को नाम का है, मेहताई को नाम का, लंबी कितनी है, नाक कितनी बड़ी है, हाथ कितना बड़ो है, पांव कितना बड़ो है, पूरा ब्यौरा लिखा जाता है, उसे बायोडाटा कहते हैं। और वह लड़की के बाप ने वो फाइल जैसी लड़का के बाप के हाथ में दे दी, मैंने एक बार कुरेद को सोई कह दी कर रिजेक्ट ले जाओ हमारे जाना पास। पर देखो मैंने तो अपने जीवन में तजुर्बा किया है 55 साल की उम्र में, और मैं सबसे कह रहा हूं नजर उठा के देख लेना, बात झूठी लग जाए तो टेलीफोन कर देना मेरे पास। बबलू नेताजी जिन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास कर लिया है उनकी नाव पार पे लग गई है, और जिन्होंने लड़की और लड़की के बाप ज्यादा कुरे दें बेचारों खाने चित्ता है। अगर जहां में झूठी लगा तो बता देना कहीं, लड़की और लड़की के बाप ज्यादा कुरेदा करा दी करिए बेचारों खाने चित्ता है। उन्हीं के लिए तो है वो शादी बाह चुटकला जो 30 लाख मांगत गए। और ध्यान कर लियो कोई स्कॉर्पियो वा नेता बबलू वा चतुर बालक वैसे चारों खाने चित्त मार के जावे सासू ना आवे भी तत्ते निरे कर गए। तो ध्यान रखना रुक्मणी ने केवल एक ही शब्द लिखा कि तुम्हारे बिन और कौन है, केवल ईश्वर पर विश्वास कर लिया। पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया ले जाओ। आज पंडित जी चले तब कही बेटा विश्वास मत करिए चलो ना जा तो है। पूरे दिन चले चार कोस निकल गए, थक गए सो नींद में सोई गए। भगवान ने विचार किया कि नो तो आरोप नो तेवा गैल में सोए वो। सो आज योग माया को आदेश कर दिया कि जो ब्राह्मण सो रहे हैं कुंदनपुर में, सोते हुए ब्राह्मण को ज्यों का त्यों उठा करके द्वारका के बाग में सुबह। पंडित जी की आंख क्यों नहीं खुल पाई, द्वारका पहुंच गए। हेलो द्वारका पहुंच गए। चलो और ये 100 रुपए बंटू मिस्त्री दिवाकर अमृतपुर, 500 रुपए सर्वेश यादव अमृतपुर, और